KTM ने एक बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन ला दिया। जी हाँ, जो लोग भी ड्यूक 200 को लव करते थे उनके लिए एक ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन आ चुका है, देखो मैट वाला। और ये जो कंपनी ने यहाँ पे स्टिकर्स प्रोवाइड किए, ये स्टिकर्स पर आप नोटिस करोगे तो बहुत ही बेहतर है। इसके प्राय कुछ ऑनर प्राइसिंग पड़ जाती है, कैसा कुछ ओवरऑल रिस्पॉन्स है, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप सभी की ऑल न्यू KTM ड्यूक 200 के बारे में। तो फाइनली आ चुके KTM 200 की ऑल न्यू मॉडल। जी हाँ, ये ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो जो कि फर्स्ट टाइम कंपनी लाया है। ये देखो, ये मैट विथ ग्रे मैट आप देख सकते हो। यहाँ पे भी कंपनी ने ग्रे मैट का बहुत ही बेहतर यूज़ किया हुआ है जो कि गाड़ी के टेक्सचर को बहुत ही बेहतर बना रहा है। गाड़ी की लुक पहले ज़्यादा और बेहतर निकल के आ रही है। यहाँ पे अभी 200 की ऑल न्यू बैचिंग देख सकते हो, ड्यूक जो लिखी है कंपनी ने यहाँ पे, और ये 200 देख सकते हो। तो ये ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन आया अपने ड्यूक 200 में। तो गाड़ी के बारे फुल लुक ले सकते हो, बहुत ही बेहतर गाड़ी की ओवरऑल लुक निकल के आ रही है। पहले गाड़ी आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन में आती थी, ऑरेंज विद ब्लैक, लेकिन एक बार ये गाड़ी का फुल लुक ले सकते हो। कहीं से आपको गाड़ी में लुक वाइज कमी महसूस नहीं होने वाली है। एक बहुत ही बेहतर और शानदार गाड़ी लुक्स लेके आ चुकी है। तो गाड़ी के आपने पहले फुल कलर कॉम्बिनेशन देख लिया। ये जो बेसिकली चेंजेस किए गए हैं आप इस पर नोटिस करो, और जो यहाँ से ड्यूक की ओवरऑल बैचिंग निकल के आ रही है ये देख लो, ये ब्लू कलर में जो टेक्सचर की फिनिश ओवरऑल वो देखने को मिल रही। और ड्यूक और ये अपनी 200 मॉडल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो गाड़ी का आपने फुल लुक ले ली। फ्रंट से बात करो तो बहुत ही बेहतर यूएसडी फोक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। टायर साइजेस के बारे में बात करो तो MRF कंपनी टायर यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, 110x70 17 इंचेस वाले आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो अगर गाड़ी की आप फ्रंट से फुल लुक ले सकते हो, बहुत ही बेहतर ओवरऑल लुक देखने को मिल जाती है। लुक वाइज कहीं से कोई कमी आपको महसूस नहीं होती है। बाकी टायर साइजेस पर अगर नोटिस करोगे तो अच्छे खासे मोटे आपको चौड़े टायर साइज 110 mm के देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं भी आपको रोड पे स्टेबिलिटी और ग्रिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डुअल चैनल एबीएस का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको मैंने जैसे बताया डुअल चैनल एबीएस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो ब्रेकिंग बहुत बेहतर निकल के आती है, लगभग 300 mm के ऊपर की डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आप डिस्क की साइज देख सकते हो, बहुत ही बेहतर अच्छी खासी आपको हैवी डिस्क देखने को मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ही बेहतर और शानदार ब्रेकिंग निकाल के देने में कैपेबल है। आपको बहुत ही अच्छी और शानदार ब्रेकिंग आपको इस गाड़ी से निकल के आती है। उसके अलावा आपको मैंने बताया अपसाइड डाउन यूएसडी फोक्स आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रंट एंड पे। तो आप एक बार यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको कंपनी ने साइड्स में रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। ये आप ऑरेंज कलर के रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे भी देख सकते हो, दोनों साइड पे आपको देखने को मिल जाता है दोनों इसके यहाँ पे। उसके बाद आप फ्रंट से ये अगर लुक देखोगे तो मैंने आपको जैसे बताया ये कंपनी जो यहाँ पे फिनिश प्रोवाइड की हुई है, ये आप देख सकते हो मैट ग्रे का कंपनी ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और पीछे आपको ब्लैक का ये यूज़ देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी गाड़ी के लुक को बहुत तगड़ा एनहांस करता है और गाड़ी की लुक बहुत ही बेहतर निकल के आती है। बाकी मैंने कोई सस्पेंशन सेटअप बताया, सस्पेंशन सेटअप भी बहुत ही बेहतर आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार आपने गाड़ी की फुल लुक ले ली, उसके बाद देख सकते हो यहाँ से आपको हेडलैम्प सेटअप पहले मैं दिखा देता हूँ। ये आपको फ्रंट में ऐसा कुछ LED डायल्स देखने को मिल जाता है। अभी भी कंपनी आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने कोई भी LEDs वगैरह चेंजेस नहीं किए हैं। साइड इंडिकेटर अभी आपको LED वाले मिलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। उसके अलावा मीटर कंसोल पाओगे, मीटर कंसोल अनचेंज है, पहले जैसा मीटर कंसोल है। इंजन किल, इंजन स्टार्ट, उसके अलावा लो बीम हाई बीम, पास साइड इंडिकेटर, हॉर्न की आपको यहाँ पे स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। चाबी पहले जैसे आपको यहाँ पे लगने वाली है। फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है लगभग 14 लीटर के आसपास का, जो कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लॉन्ग राइड पर भी गाड़ी लेके निकलोगे तो बहुत ही बेहतर और शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा। जो ये गाड़ी का लुक आया है ना यहाँ से अपडेट, वो बहुत ही बेहतर लग रहा है। बाकी इंजन आपको पहले जैसा ही 200cc का BSS कंप्लाइंट इंजन विद FI लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग 160 mm के आसपास की देखने को मिलती है, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। उसके साथ ही साथ अगर बात करोगे तो 25 PS की गाड़ी पावर प्रोड्यूस की देती है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी से रहता है। बैक में आपको बात कर लोगे तो आप ये सस्पेंशन सेटअप देख सकते हो, बहुत ही बेहतर आपको मोनोशो सस्पेंशन सेटअप आपको बैक पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक देती है, बैक में आपको मोनोशो देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है। तो आप इसे 5-स्टेप तक एडजस्टमेंट कर सकते हो। सीट में कुशनिंग देखोगे, कुशनिंग इसमें बहुत ही बेहतर मिलती है। जी हाँ, कुशनिंग वाइज ये आपको RC ज़्यादा बेहतरीन कुशनिंग निकाल के देने वाली है, और इसकी सीट भी थोड़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो अगर आपको कंफर्टेबल लाइट चाहिए, रॉन्ग लाइट चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन बन के आती है। बाकी सीट में कुशनिंग ओवरऑल देख सकते हो, बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा चैन आप देख सकते हो अपना यहाँ से भी कंपनी ने ये क्लियरली यहाँ पे शो करता है। एक बार चैन अपना देख सकते हो, चैन का ये कवर आपको फाइबर वाला देखने को मिल जाता है। बैक एंड से बात करोगे तो साड़ी गार्ड आपको इंडियन नॉर्म्स में जैसे कि मैं देखने को मिल जाता है। आपको बैक की टायर 150 mm की देखने को मिलती है, देखो कितनी अच्छी खासी मोटी है, जिसकी वजह से आपको रोड पर स्टेबिलिटी ग्रिप बहुत ही बेहतर निकल के आती है। बाकी बैक से भी अगर गाड़ी का फुल लुक ले सकते हो, मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूँ। ये देखो इसका टेल ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, और ये देखो बैक से भी एक बार ऐसा कुछ आपको टेल आईडी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतर है। ये न्यू कलर कॉम्बिनेशन आया था इसलिए मैं सोचा आपके लिए एक रिव्यू वीडियो बना ले, और ये आपको न्यू कलर कॉम्बिनेशन हम हाईलाइट कर दें कि आपको ये न्यू कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। कमेंट्स में आपको जरूर शेयर करिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये गाड़ी है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये अपने नौगढ़ में शोरूम देखने को मिल जाता है, भारत पेट्रोलियम के जस्ट सामने आपको ये शोरूम है।
फ्रंटियर मोटर्स का, जहाँ पे आप बिल्कुल आए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको जो भी गाड़ी परचेस करनी हो KTM की, आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।